हे दोस्तों, टॉफा हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है शाहिद और आज हम बात करने वाले हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा की कुछ बेहतरीन फिल्मों के बारे में। तू सारे नु मार कट के वापस आ जाएगा। कोई फिक्र न कर जानी, ते तिरंगा लहरा कर आऊं, नहीं तो उसमें लिपट के आऊं, लेकिन आऊंगा जरूर। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 2012 में आई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने करियर की शुरुआत की थी। अभी तक उन्होंने करीब 12 फिल्मों में काम किया है। आज हम उन्हीं 12 फिल्मों में से कुछ अच्छी फिल्मों के बारे में बात करेंगे जिन्हें IMDb पर सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है। तो चलिए जानते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा की 5 बेहतरीन फिल्मों के बारे में। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुझे रोज मारूंगा, एक बार नहीं हजार बार मारूंगा। तो अगर आपको भी ऐसे इंडस्ट्री में देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस घंटी को भी दबाएं ताकि नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। नंबर 5, एक विलन। एक विलन फिल्म के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। 2014 में रिलीज हुई साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म एक विलन में सिद्धार्थ मल्होत्रा लीड रोल में नजर आए थे। वहीं रितेश देशमुख ने नेगेटिव रोल प्ले किया था। एक साइको किलर के इर्द गिर्द इस फिल्म की कहानी घूमती है। कहानी बहुत ही जबरदस्त थी। फिल्म की तो आप जितनी तारीफ करें कम है। 2014 में रिलीज हुई इस फिल्म को जहां काफी सारे अवार्ड से नवाजा गया था, वहीं फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन भी किया था और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई थी। इस फिल्म को IMDb पर 6.5 की रेटिंग मिली है। जब तक हम किसी के हमदर्द नहीं बनते, तब तक हम दर्द से और दर्द हमसे जुदा नहीं होता। नंबर 4, हंसी तो फंसी। ये सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर की दूसरी फिल्म थी जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। 2014 में सिद्धार्थ मल्होत्रा की 2 फिल्में रिलीज हुई थी, हंसी तो फंसी और एक विलन। दोनों फिल्में काफी अच्छी गई थी। एक विलन फिल्म को तो हर किसी ने देखा होगा, लेकिन हंसी तो फंसी इस फिल्म को काफी लोगों ने नहीं देखा होगा। ये फिल्म भी काफी अच्छी गई थी। फिल्म की कहानी निखिल के इर्द गिर्द घूमती है जो करिश्मा से प्यार करता है। दोनों की शादी भी तय हो जाती है, लेकिन एंट्री होती है मीता की। कुछ दिनों के बाद निखिल और मीता नजदीक आ जाते हैं। अब आगे क्या होगा, निखिल किससे शादी करेगा, इसी के इर्द गिर्द इस फिल्म की कहानी घूमती है। इस फिल्म को IMDb पर 6.8 की रेटिंग मिली है। तुम ढीला अच्छा देती हो, तुम लपेटते भी तो अच्छा हो। सोचो मैं आइडिया होती हो तुम टेक्नोलॉजी, हमारी पतंग क्या मस्त उड़ती ना। नंबर 3, इत्तेफाक। इत्तेफाक फिल्म को भी लोगों ने खूब पसंद किया था। एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म जिसकी कहानी एक मर्डर के इर्द गिर्द घूमती है। इस मर्डर के 2 सस्पेक्ट हैं, एक है माया और दूसरा है विक्रम। अब इन दोनों में से मर्डर किसने किया है, पुलिस इसी बात की तहकीकात करती है। फिल्म की कहानी काफी जबरदस्त है। जिस तरह से ये फिल्म शुरू से लेकर आखिरी तक बांध के रखती है, वही इस फिल्म का मेन प्लस पॉइंट है। 2017 में रिलीज हुई ये फिल्म सुपर डुपर हिट थी जिसने 150 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया था। इस फिल्म को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली है। मैं कब से बोल रहा हूँ कि टेबल टूटा हुआ था, उसके वॉलेट में पड़ा था। बेटा, तुम्हारे जैसे भुट्टे रोज सीखते हैं। नंबर 2, कपूर एंड सन्स। कपूर एंड सन्स एक फैमिली ड्रामा फिल्म थी जिसे 2016 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, फवाद खान, आलिया भट्ट, ऋषि कपूर, रजत कपूर और रत्ना पाठक नजर आए थे। फिल्म की कहानी एक फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी में वैसे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है ये फिल्म आपको पूरी तरह से एंटरटेन करती है। और हाँ, ये फिल्म मेरी बेस्ट फिल्मों में से भी एक है। कुछ लोगों को फिल्म समझ नहीं आई है, लेकिन बहुत से लोगों ने फिल्म की काफी ज्यादा तारीफ की थी। वैसे फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा कलेक्शन भी किया था, कई सारे अवार्ड भी मिले थे और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई थी। इस फिल्म को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली है। मेरे परिवार के साथ एक फैमिली फोटो हो जिसके नीचे टाइटल होगा कपूर एंड सन्स। नंबर 1, शेरशाह। मेरे हिसाब से ये फिल्म सिद्धार्थ मल्होत्रा की सबसे बेहतरीन फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने काफी अच्छी एक्टिंग की है। जिस तरह से उन्होंने विक्रम बत्रा के रोल को प्ले किया है, भाई मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। फिल्म का क्लाइमैक्स किसी के भी आंखों में आंसू ला देगा। इतनी जबरदस्त फिल्म की कहानी है। अगस्त 2021 में रिलीज हुई ये फिल्म एक बायोपिक वॉर ड्रामा फिल्म थी जिसकी कहानी शहीद विक्रम बत्रा की जिंदगी पर आधारित थी। फिल्म काफी अच्छी है। अभी इस फिल्म को IMDb पर 8.8 की रेटिंग मिली है, यानी कि ये फिल्म सिद्धार्थ मल्होत्रा की सबसे हाईएस्ट रेटिंग वाली फिल्म है।
तो आपको शेरशाह फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये दिल मांगे मोर सर। तो दोस्तों ये थी सिद्धार्थ मल्होत्रा की कुछ बेहतरीन फिल्में जिन्हें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको जरूर देखनी चाहिए। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वैसे कई फिल्मों का नाम इस लिस्ट में नहीं है लेकिन ये लिस्ट है सबसे हाईएस्ट रेटिंग वाली। तो आपको कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगी है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।